मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला गुलबर्गा की वुमेन्स विंग की जानिब से आज एसपी ऑफिस गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा मुनज्जम करते हुए एसपी को याददाश्त पेश की गई, जिसमें शाहबाद की रुबीना नामी खातून के जहेज के लिए हुए कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का और रुबीना के खानदान के साथ इंसाफ करने मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया गया। एमआईएम खातून विंग की इंचार्ज जवेरिया ऑफरीन और दीगर खवातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। रुबीना बेगम का जो 18 मई को जो कत्ल हुआ है, वो मर्डर हुआ है, वो केस क्लोज हुआ था, वो केस को फिर रीओपन करने के लिए हम एक मेमोरेंडम एसपी साहब को आज सब मिलकर सबमिट किए हैं। एसपी साहब भी आश्वासन दिए हैं, भरोसा दिए हैं कि ये केस रीओपन करके 400 तक सबको अरेस्ट करके जेल भिजवाएंगे, इनके हक में हम फैसला दिलवाएंगे, बोल के शशि कुमार एसपी साहब सबके सामने ये कबूले हैं। और ये बच्ची जो है 9 महीने की रुबीना बेगम की जो बेटी है, उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ जो है, बेनिफिट जो है, उसको आज तक भी नहीं मिला है। पीएफ ऑफिस के तरफ से उसको पेंशन हो या सीडीपी ऑफिस के तरफ से कुछ अमाउंट हो, इसको मिलना चाहिए। हम सब मिलके इसके बारे में हम ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, अब इसके बाद हम सीडीपी के पास जाके ये बच्ची की खाला ये बच्ची को रख ले रहे हैं, ये बच्ची को रख ले रहे हैं, उसके गार्डन में ये बच्ची रहेगी। और वो रुबीना बेगम की जो आंगनबाड़ी की जो नौकरी है, उसकी खाला को दिया जाएगा, बल्कि देना, बल्कि हम ये प्रेशर हो या उनको मनमी यानी उनको मनाना है लेटर के जरिए, उनको मेमोरेंडम दे के ये जॉब उसको देने के लिए हम वहाँ पर अब जा रहे हैं।